जिया मानेक एक बार फिर से अपने फैंस के सामने आ रही हैं शो तेरा मेरा साथ रहे से। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये शो सुपरहिट शो साथिया का प्रीक्वल है। हालांकि इस बार शो में जिया मानेक गोपी बहू बनकर नहीं बल्कि गोपिका बनकर सामने आएंगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि गोपी बहू से कितनी अलग है गोपिका, और आखिर इस बार शो में क्या कुछ है नया। तो इस सवाल का जवाब दिया है खुद शो की लीड एक्ट्रेस जिया मानेक ने। जी हाँ, जिया ने बताया है कि इस बार गोपिका का किरदार शो में कैसा है। जानी मानी एंटरटेनमेंट पोर्टल IWM से खास बातचीत में जिया ने गोपिका को लेकर खुलासा करते हुए बताया कि गोपिका पूरी तरह से एक नया किरदार है जिसकी अपने गुण है, अपनी अलग क्वालिटीज होंगी। ये शो सशक्तिकरण की कहानी होगी जिसमें दिखेगा कि कैसे एक लड़की अपने गुरु की मदद से अपने घर और समाज में चीजों को बदल सकती है। वहीं कुछ दिन पहले स्पॉट बॉय से खास बातचीत में जिया ने इस बात को साफ किया था कि इस बार वो गोपी बहू के नहीं बल्कि बिल्कुल ही नए किरदार गोपिका बनकर सामने आएंगी, जो पूरी तरह से गोपी से अलग होगा। इसके अलावा शो की कहानी भी पूरी तरह से नई होगी। साफ है कि बेशक शो के किरदार पुराने हैं, लेकिन इस बार हर मामले में शो का तीसरा पार्ट अलग होगा। आपको बता दें कि शो की कहानी में गोपिका की जर्नी दिखेगी कि कैसे उसकी सास उसकी गुरु बनेंगी और एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला बनने के लिए उसको सपोर्ट करेंगी। इस बार ये सास बहू की जोड़ी अलग तरीके से अपनी बॉन्डिंग शेयर करती दिखाई देने वाली है। आपको बता दें कि शो के सेट से शूटिंग की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, जिसमें शो के सभी पुराने किरदारों का स्टाइल बिल्कुल नया और बदला नजर आया है, जिसे देख फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। उर्मिला बहन का लुक तो पिछले सीजन से काफी अलग नजर आया ही। इसके अलावा शो के बाकी के सपोर्टिंग स्टार कास्ट के लुक में भी काफी बदलाव देखा गया है। पर फैंस तो इंतजार कर रहे हैं 16 अगस्त का, जब शो का पहला एपिसोड सामने आएगा। आपको बता दें कि इस बार भी शो की शुरुआत भगवान कृष्ण की आराधना से ही की जाएगी, जिसमें गोपिका और कोकिला दिखाई देने वाली हैं। हालांकि ये शो TRP में अब डंका कैसे बजाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।